राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 हो गई। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले सामने आ जाए हैं। राजधानी जयपुर से 3, बांसवाड़ा और बीकानेर में एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आज पाया गया। राजधानी जयपुर में 4 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजधानी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव अभी तक सामने आ गए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए बांसवाड़ा से एवं संवाददाता राजेश सोनी मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, आज एक कोरोना पॉजिटिव बांसवाड़ा से सामने आया, प्रदेश भर में कहर जारी है। जी बिल्कुल देवी, बांसवाड़ा के कुशीनगर जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है यहाँ पर जी। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा की ज्यादातर ये जो संक्रमण है वो महिलाओं में और फैला है और एक ही समाज के है ये लोग। और मार्च में ये अभी किसी शादी समारोह में लोग आए हुए थे जी, उसके चलते यह संक्रमण फैलने का मामला लगभग पूरी तरह साफ में आने का बताया जा रहा है। तो अभी उदयपुर की जो स्पेशल मेडिकल टीम है 6 सदस्य की, वो इस मामले में संज्ञान ले रही है कि आखिर संक्रमण किस तरह से एक ही समाज के लोगों में फैल रहा है जी। और ये किस तरह से आया, तो जो लोग विदेश नहीं गए थे लेकिन विदेश की एक बारात आई थी यहाँ पर, उसमें कार्यक्रम में शिरकत ली थी और इसके चलते यहाँ पर मामला संदिग्ध माना जा रहा है। उसकी तहस जाने की कोशिश में जुटी है पूरी टीम और एक महिला अभी फिर मिली है। तो इस तरह से संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर जो शिक्षा विभाग की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है की सभी तरह घर घर दोबारा सर्वे की जा रही है और सभी की फिर से सैंपलिंग ली जा रही है और मुस्तैदी बरती जा रही है। वहीं जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जो राशन सामग्री है उसके लिए कुछ लोग नियुक्त हैं, वही घर घर जाकर डिलीवरी देंगे और उनके द्वारा ही वो राशन सामग्री खरीदी जाएगी और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा रखा है। पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है, चिकित्सा विभाग की नजर, पूरी पैनी नजर वही क्षेत्र में लगी हुई है क्योंकि बॉर्डर इलाका है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सरहद पर कुशलगढ़ कस्बा बसा हुआ है, तो वहाँ पर पूरी सुरक्षा के एहतियात तौर पूरे बंदोबस्त किए गए और पूरी सील कर दी गई है जी। चप्पल पर पुलिस नजर आ रही है जी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजेश। प्रदेश से आपको कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। 348 पर आंकड़ा पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में 109 मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव के सामने आ गए। चौंकाने वाली बात, राजधानी जयपुर में 4 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव आज पाई गई। पूरे प्रदेश से अभी तक 5 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए बीकानेर से किशोर सिंह बिदावत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, बीकानेर में भी एक और पॉजिटिव मरीज की यहां पर आज पुष्टि हो गई है, इसके अलावा क्या अपडेट है आपके पास? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बीकानेर देर रात्रि को आई इस रिपोर्ट में एक और पॉजिटिव और कल दिन में 3 पॉजिटिव आ चुके हैं जी। अब तक कुल मिला के 15 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और प्रशासन पूर्णतः सतर्क है। और पॉजिटिव आने का मुख्य कारण यह है कि अब जांचों की संख्या है वो बढ़ गई है, जांच से ज्यादा होने लग गई है जी। उसके अलावा प्रशासन घर घर स्क्रीनिंग कर रहा है और हर व्यक्ति जो संपर्क में आया पॉजिटिव आदमी से उनकी छंटनी करके उनको क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। अगर कोई किसी में लक्षण पाए जा रहे हैं तो तुरंत उसको जांच के लिए बोला जा रहा है। उसके अलावा बीकानेर में एक और हॉस्पिटल खोल दिया गया है जो क्वारंटाइन के काम आ रहा है और जो जांच के लिए एक लैब मशीन और आ चुकी है जिसमें जांचों की संख्या दुगुनी हो गई है। इस वजह से अगर कोई संदिग्ध है या किसी में कोई लक्षण पाए जा रहे हैं उसकी तुरंत जांच की जा रही है। प्रशासन बार बार अलर्ट कर रहा है, लोगों से आगाह कर रहा है कि अगर किसी में लक्षण मिलते हैं तो वो आगे आके प्रशासन को बताए ताकि समय रहते उसकी जांच हो पाए और वो किस किस से संपर्क में आए उनके भी स्क्रीनिंग करके तुरंत इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए जी। और जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम इस मामले को पूर्णतः संज्ञान में ले चुके हैं और अब पूर्णतः ये कर चुके हैं कि इसको बीकानेर से कोरोना को जड़ से खत्म करना है, इसलिए काफी इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो कुमार पाल गौतम बोल रहे हैं इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे जी। इसके अलावा कल ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने भी बैठक लेके सबको निर्देश दिए, हिदायत दी है कि जो भी कदम उठाने पड़े वो कदम उठाए जाए लेकिन कोरोना को जड़ से खत्म करना जरूरी है जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद किशोर। आपको प्रदेश भर से हम इस वक्त की ताजा अपडेट दे रहे हैं कोरोना की। 348 यहां पर आंकड़ा पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 109 पर पहुंच गई है।